गली फार्म एंड होम स्टे जो सिचुएटेड थे कैलिम्पोंग के काफिर गांव में, जो 55 किलोमीटर अवे है कैलिम्पोंग के मेन टाउन से। अगर आप लोग भी विजिट करना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है NGP, और अगर आप लोग फ्लाइट में आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, वहाँ से आपको लोकल टैक्सीज मिलेगा और फार्म स्टे का आपका ही गाड़ी आपको पहुँचा देगा वहाँ तक। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चामलिंग मोटर टूर व्लॉग, और आज मैं हूँ कैलिम्पोंग गांव काफिर में, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा होम स्टे है। ये होम स्टे का नाम है ग्रीन वैली होम स्टे, और ये खूबसूरत एटमोसफियर के बीचों बीच में है ये होम स्टे। आसपास की पूरे पहाड़ों के बीचों बीच सुंदर सा देखने वाला पहाड़, और स्पेशली यहाँ से कंचनजंगा का व्यू भी दिखेगा आपको। और आइए आपको मैं ये ले चलता हूँ यहाँ होम स्टे, और यहाँ कैसे आना है मैं आपको सब बताते जाऊँगा, तो बने रहे मेरे चैनल चामलिंग मोटर टूर। तो आइए व्यूअर्स, में ये होम स्टे का जो रूम है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, ये रूम में 3 पर्सन्स के लिए है ये रूम। यहाँ पर डबल बेड है और यहाँ पर सिंगल बेड है। तो व्यूअर्स, आइए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अटैच्ड बाथरूम और वॉशरूम। तो ये है अटैच बाथरूम, यहाँ पर गीजर, यानी वेस्टर्न टॉयलेट, फेस वॉश मशीन, व्यूअर्स यहाँ पर भी है एक रूम, मैं आपको वो दिखाते जा रहा हूँ। ये है सिंगल बेड, और यहाँ पर है डबल बेड। तो व्यूअर्स, यह है यहाँ का बाथरूम, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ बाथरूम। यह है गीजर, यह है वेस्टर्न टॉयलेट, यह है फेस वॉश मशीन, टैप, और ये बाल्टी। तो व्यूअर्स, ये और एक कॉटेज है, ये कॉटेज का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रूम यहाँ।
तो व्यूवर्स, यहाँ जो ये होम स्टे है, यहाँ का होम स्टे का ऑनर है, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, उनसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। नमस्ते सर, वेलकम टू माई चैनल चामलिंग मोटर टूर व्लॉग। और आपने ये होम स्टे कब से शुरू किया था और ये यहाँ पर कितने रूम है वो सब बता देंगे आप, और यहाँ पर कैसे आना है सब, यहाँ का टैरिफ। यह है इस होम स्टे का ओनर भगत, और मैंने यहाँ उनसे पूछा कि रूम के बारे में, तो रूम यहाँ पर टोटल 11 रूम है और टोटल 60 आदमी, 60 पीपल्स जा सकता है रूम में। गाड़ी व्हीकल आपका यहाँ होम स्टे तक आता है, रोड उतना ख़राब नहीं है और पार्किंग का जगह पूरा है इस होम स्टे। यहाँ घूमने का जगह लाभा रेसब खोला थान, और नोकडाँडा झील है, डार्जिलिंग व्यू पॉइंट, यहाँ पर है डाइनिंग हॉल और ये है सेटिंग्स डाइनिंग के लिए, टेबल बेंच, यहाँ पर टेबल, आपको सीधा व्यू मिलेगा खिड़की से बाहर का व्यू। तो ये है यहाँ पर काउंटर है, में आपको इस कॉटेज का जो रूम है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर डबल बेड है, ये डबल बेड है और ये सिंगल बेड। यहाँ पर कपड़ा रखने के लिए अलमारी है और आप लोग लगेज भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये है वॉशरूम, ये है गीजर, ये वेस्टर्न टॉयलेट, ये है शॉवर, गीजर, ये टैब, ये बाल्टी, ये शावर, यहाँ पर फेस वॉश बेसिन,
तो व्यूअर्स यहाँ पर देखिए गाड़ियों के लिए पूरा पार्किंग है, आप लोग गाड़ी लेकर यहाँ पर आ सकते हैं, पूरा स्पेस है पार्किंग का यहाँ पर। यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है कंचनजंगा, इस तरफ दिखता है सीधा दार्जिलिंग इस तरफ आए और दिखता है और सीधा है कालिम्पोंग शहर। तो व्यूअर्स यहीं तक था मेरा आज का होमस्टे का ब्लॉग, और मैंने ऐसे ही अच्छे अच्छे होमस्टे का ब्लॉग में डालता जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा ऐसे वीडियो दिखाते जाऊंगा आप लोग को। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।